दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की पूछताछ के बाद वो लोग सब अलग अलग जगह से पूछताछ के लिए आए थे। दीपिका और सारा गोवा में थे, दीपिका फिल्म शूट कर रही थी। अब खबर है कि दीपिका गोवा वापस शूटिंग के लिए लौटने वाली हैं। एनसीबी ने जो पूछताछ की, उनकी पूछताछ में जो वो लंबी और पतली और मोटी सिगरेट का उन्होंने डेफिनेशन दिया और उनका और सारा और श्रद्धा का बयान कोऑर्डिनेटेड भी था, तो फिलहाल एनसीबी ने उनको शायद क्लीन चिट दी है नहीं दी, इस पर बहुत सवाल बने रहे। जहाँ ये बात आई कि क्लीन चिट मिल गई है, कुछ सोर्सेज ने कहा, कुछ सोर्सेज ने कहा नहीं, क्लीन चिट नहीं मिली है, तो दिस रिमेन मिस्टीरियस। ऐसे में दीपिका पादुकोण लौट कर गोवा जाने वाली है अपनी शूटिंग कंप्लीट करने के लिए। शकुन बत्रा की अगली फिल्म कर रही हैं वो, जिसमें अनन्या और ईशान खट्टर भी हैं। दीपिका को शूटिंग छोड़ कर आना पड़ा, चूँकि कोविड चल रहा था, ये बाहर शूट करनी थी, छोड़ कर आई थी। तो ईशान और अनन्या का जो पोर्शन है वो लोग शूट कर रहे थे, उन दोनों का पोर्शन शूट था। दीपिका वापस शूटिंग ज्वाइन करेंगे। शकुन बत्रा की किस्मत बहुत अच्छी है कि दीपिका पादुकोण को तुरंत वो शूटिंग रिज्यूम कर पा रही है, वरना जो मामला लगा था बहुत लंबा खिंचने वाला है। और फिलहाल एनसीबी लगता है पूछताछ के बाद चुप हो गई है, आगे कुछ बोला नहीं गया। हालांकि ये बात भी आई थी कि फ़ोन का जो डेटा लिया गया है उसके आधार पर आगे पूछताछ की जाएगी, क्लीन चिट नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, ज़रूर बताएं। बने रहे मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।